कुछ बातें कुछ खास में सज्जन सराफ साहब हमारे साथ हैं, चैंबर के अध्यक्ष हैं और खास तौर पर फेडरेशन बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे इनके बचपन के बारे में। सज्जन साहब, रांची से ताल्लुकात कितना पुराना है? रांची में 36 वर्ष पहले रांची आया हूं जी। मेरा जन्म झारखंड के साहेबगंज जिले का है, साहेबगंज शहर का जन्म है। रहने वाला मैं मालदा जिला वेस्ट बंगाल के गांव जात का रहने वाला हूं, जहां खेती का कारोबार था हमारा। मैट्रिक पढ़ाई मैंने उसी स्कूल से की जो बंगाल में अवस्थित है, हमारे पिताजी ने स्कूल बनवाई थी। मैट्रिक पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई हम साहेबगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा की जी। मैंने एम कॉम और लॉ किया वहां से। उसके बाद एक दो साल व्यापार मुजफ्फरपुर प्रारंभ किया मैंने, और 75 में रांची आया हूं, तब से रांची का बासिंदा बनकर रह गया हूं। क्या क्या अंतर दिखे जब मालदा से साहबगंज पहुंचे, साहबगंज से रांची पहुंचे, क्या क्या डिफरेंसेस दिखे आप? देखिए, डिफरेंस तो जब मालदा में था तो मैं एग्रीकल्चर कल्टिवेशन का काम था हमारा, कृषि का कार्य था, व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। मुजफ्फरपुर आया तो वहां पर व्यापार करने का अवसर मिला। दोनों में बेहद डिफरेंस है। आज उस फायदा कि हमें कृषि का भी ज्ञान है और व्यापार का, दोनों ही ज्ञान का अवसर मिला करने का। तो पिताजी वहां पर क्या कर? हमारे पिताजी सोशल एक्टिविस्ट थे, खेती बाड़ी थी हमारी काफी, तो खर्चे जमाना उसे चलते थे उससे, और हमने एक हाईस्कूल बनाई थी। आज उस क्षेत्र में हाईस्कूल एक ही है, कुछ भी नहीं, चार एक तरफ गंगा जी थे, महानंदा नदी है। आज भी स्कूल में काफी लोग बच्चे पढ़ते थे। कितने भाई बहन थे आप वहां पे? चार भाई दो बहन, सभी धीरे बाहर आ गए वहां पर। आज के दिन वहां कोई नहीं हमारा मालदा जिले में। आज की तारीख में कुछ याद आता है वहां? हाँ, याद आता है वहां की। क्या क्या खास याद आता है? याद आता है ये बाढ़ का टाइम, पूरा घर के चारों तरफ पूरा जल जमाव होता था, पूरा बाढ़ आ जाता था, दो तीन महीने एकदम कन्फाइन हो जाते थे हम लोग। बाढ़ आके चली जाती थी, सड़क नहीं थी हमारे यहाँ, बिजली नहीं थी। देखो, बहुत कठोर अनुभव था जीवन का। लेकिन आमतौर पर जो मारवाड़ी होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, तो ये जो खेतीबाड़ी का जो मामला था ये कैसे हुए? मारवाड़ी हमेशा हर पेशे को एक व्यवसाय के रूप में देखा है जी। खेती का तो उसमें व्यवसाय के रूप में देखते थे, खेती भी कर लिए, कुछ खरीदी बेची कर लिए। जब जूट की खेती होती थी, जूट खरीद लिए, कुछ बेच लिए, अनाज खरीद लिए, बेच लिए। तो इंडायरेक्ट डायरेक्ट हम व्यापार से जुड़ी जाने कहीं जी। और व्यापार के कृषि भी हम एक तो व्यापार तो समझते हैं, हर आदमी करता ही है। और हमारे समाज के लोग हिंदुस्तान के हर जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल उद्यमी होते हैं आप। साहबगंज पहुंचे, साहबगंज क्यों पहुंचे, भागलपुर क्यों? साहबगंज में हमारा नियरेस्ट शहर था, हमारे ताऊजी वहां पहुंच गए थे। साहबगंज में खाली हमने हमारे पढ़ाई के लिए खाई के घर से एक साल रहे, बहुत लंबा नहीं रहे हम लोग। हमारे परिवार के पिताजी भाई लोग वहां रहते थे, ज्यादा समय हमने मुजफ्फरपुर में बिताया।